ये पूरे वेज नॉन वेज इशू के बीच में एक वीडियो वायरल हो रहा है, देखने लायक है, ज़रूर देखिएगा। 2 महीने पुराना वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन उसके सबटाइटल्स आपको दिए गए हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, जरा सुनिए। ஓழிய வெட்டி தின்னாது சிக்கன் பார்ட்டி, சிக்கன் பார்ட்டி, கோழிய வெட்டி தின்னாது சிக்கன் பார்ட்டி, சிக்கன் பார்ட்டி, ஆட்டை வெட்டி தின்னா அது மட்டன் பார்ட்டி, மட்டன் பார்ட்டி, கேக்கே வெட்டி தின்னா அது பர்த்டே பார்ட்டி, பர்த்டே பார்ட்டி, நாட்டைய வெட்டி தின்னா அது பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி. உலகத்திலே உலகத்திலே பெரிய செல்ல பட்டேலே, உலகத்திலே பெரிய செல்ல பட்டேலே, அது உள்ளே போய் உழிஞ்சுக்கிட்டு பட்டேலே. तो नरेंद्र मोदी ने ये जो वेज नॉन वेज की डिबेट नवरात्रि सावन के दौरान की शुरू कर दी थी, उसका जवाब तमिलनाडु ने इस तरह से दिया है। तमिलनाडु में बीजेपी का सुपड़ा साफ। ओह, एबीपी न्यूज की ये क्लिप तो कुछ और कह रही है तमिलनाडु के बारे में। अभी तक जो तमिलनाडु का आंकड़ा हमने आपको दिखाया है, उसी तमिलनाडु के आंकड़े को लेकर जो बड़ी तस्वीर उभर रही है, उसी की 1, 2, 3, 4, 5 बड़ी बातें आपके सामने, जिसमें इंडिया गठबंधन तमिलनाडु सभी 39 की 39 सीटों पर जीत दर्ज कर रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी का सुपड़ा साफ। इंडिया को सभी 39 की 39 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 9, डीएमके और बाकी जो साथी हैं इंडिया गठबंधन के उन्हें 30, बीजेपी को 19 फीसदी। आप लोग एक चीज नोटिस करें, तमिलनाडु को लेकर नरेंद्र मोदी अपने इंटरव्यू के दौरान भी, अभी एक उन्होंने मीडिया में इंटरव्यू दिया है, उसमें भी तमिलनाडु का जिक्र बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तमिलनाडु को लेकर बहुत फोकस है पिछले कई समय से। ये 400 पार करने के लिए तमिलनाडु के पीछे इतना पड़े हुए हैं, या फिर अपनी जो पुरानी भी सीटें हैं कई जगह से वो भी हाथ से निकलती हुई नजर आ रही हैं, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए तमिलनाडु जैसी जगहों पर फोकस कर रहे हैं। क्योंकि अब आप ये देखिएगा, इंडिया टीवी में आपकी अदालत रजत शर्मा के इंटरव्यू के दौरान जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं कांग्रेस की तरफ से हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने कितना सटीक एक जवाब दिया जब उनसे जनता से पूछा गया 400 पार वाले नारे के बारे में। आप सुनिएगा इसको, बहुत लॉजिकली उन्होंने बात बोली है कि आखिर ये कैसे बन सकता है, और फिर आगे जाकर फिर बोलते हैं कि इतना जीतने के लिए तो अब इनको ना पाकिस्तान से जाके जीतना पड़ेगा। तो देखिए, लॉजिकल बात बिल्कुल है कि कहां से इतनी सारी सीटें मिली जो 400 पार इस तरह के नारे दे दिए हैं अमित शाह। अब देखिए, जो एक बार आपको याद है दिल्ली के इलेक्शन के दौरान उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इतनी तेज ईवीएम का बटन दबाना कि शाहीन बाग तक करंट पहुंचे, और नतीजा क्या हुआ था दिल्ली के चुनावों में आप सब जानते हैं, बुरी तरह से शिकस्त मिली थी। अब इस बार इनका उसी तरह का नारा सामने आ गया, इतनी तेज बटन दबाना कि करंट जो है वो इटली तक पहुंचे। इटली वर्ड क्यों लिया जा रहा है आपको पता है, जबरदस्ती सोनिया गांधी की डिसेंट को उसमें इस्तेमाल करके इटली तक पहुंचे, इस तरह की बातें ये फिर कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि वो कोई रेवड़ी नहीं बेचते हैं, वो कोई रेवड़ी नहीं देते हैं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हाँ, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो अगले 5 साल तक 80 करोड़ को फ्री राशन देने की बात है, ये तो पॉपकॉर्न है ना, रेवड़ी नहीं है। नहीं, डोंट कॉल इट रेवड़ी, दिस इज पॉपकॉर्न। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये हम लोग इसके बारे में क्या ही बोले, मुझे लगता है कि ये शख्स बिल्कुल सही है बोलने के लिए जो उन्होंने बात कही है। ये पूरे 80 करोड़ का राशन करके जो ये सामने बेचते रहते हैं अपने काम को, ये इनका काम है कि 80 करोड़ का राशन देते आए हैं और अगले 5 साल तक भी राशन देंगे। दिस इज व्हाट ही हैज अचीव्ड बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री फॉर लास्ट 10 ईयर्स। तो जरा एक गरीब के मुंह से ही सुन लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। कुछ बेहतर लाऊंगा इस देश के अंदर कि 5 साल के पहले आपको राशन लेना बंद कर देना पड़ेगा, आपको राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आपको हमारे आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, बल्कि ये नहीं बोलना चाहिए कि आने वाले 5 साल तक मैं आपको राशन दूंगा, ये नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है तो गलत है। और इनके मन का दुख भी जरा समझने की कोशिश कीजिए, ये आ दिल से आ रही है, इसे नजरअंदाज ना करें। कुछ बेहतर लाऊंगा इस देश के अंदर कि 5 साल के पहले आपको राशन लेना बंद कर देना पड़ेगा, आपको राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आपको हमारे आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, बल्कि ये नहीं बोलना चाहिए कि आने वाले 5 साल तक मैं आपको राशन दूंगा, ये नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है तो गलत है। भाई साहब, मेरे घरों में बच्चे हैं, माँ है, बीबी है, बाप है, सबके लिए दवाई पढ़ाई सारी चीजें की जरूरत पड़ती है।
पांच किलो राशन से मेरा सब कुछ पूरा नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा कैसे फॉलो करेगा बताइए। मैं अपने बच्चे को रोटी नहीं दे पा रहा हूँ, मैं अपने परिवार के लिए खुराक नहीं दे पा रहा हूँ, और आप मेरे बच्चे वही कंपटीशन उसी तरीके से करा रहे हैं। और आप ये कहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है, जो पढ़ने में ठीक है बच्चे उनको लिया जा रहा है। अरे आप व्यवस्था तो तय कीजिए। हमारे जो भी CST SC के जो लोग थे, बड़ी मात्रा में, मैं आपको बता दूं, इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूं, आज देश के अंदर जो कॉर्पोरेट को लेके आए हैं, आप देखिए इसे रेल के अंदर, रेल की बहुत सारी वैकेंसियों को, चतुर श्रेणी कर्मचारियों को खत्म कर दिया गया, ग्रेड खत्म कर दिया गया, बहुत सारे पद खत्म कर दिए गए। हमारे ST SC OBC के तमाम सारे लोग जो बहुत अच्छे पैसे वाले नहीं थे, उनके बच्चे कम पैसे में प्राइमरी स्कूल में पढ़ करके, सरकारी स्कूल में पढ़ करके जाकर के कंपटीशन में बैठते थे, उतना हाईएस्ट कंपटीशन नहीं बीट कर पाते तो कम से कम चतुर श्रेणी कर्मचारी तो जाकर के बन जाते थे, उनका परिवार आगे जाकर के अच्छा हो जाता था, वो अपने बच्चे को पढ़ा करके IAS बना लेते थे। लेकिन आपने ये इस व्यवस्था को चौपट कर दिया, खत्म कर दिया, सत्यानाश कर दिया, देश का सब कुछ बर्बाद कर दिया। और आज आप एक चपरासी, एक रिक्शे वाले के बच्चे, एक मोची के बच्चे को, एक कुली के बच्चे को और एक IAS के बच्चे को, सबके बच्चों को एक साथ कंपटीशन में बैठा दे रहे हैं। कहां से मेरा बच्चा पास होगा? यानी परीक्षा की व्यवस्था एक और पढ़ाने की व्यवस्था अलग अलग। ये कॉर्पोरेट का सिस्टम है, कॉर्पोरेट नोट कमा रहा है और गरीब को और गरीब बना दिया जा रहा है। इनके पास रोजगार नहीं है कि ये कहीं जाकर के रोजगार कर रहे हैं। बाहर मार्केट में चले जाइए, आपको 5,000 रुपए का काम नहीं मिलेगा। सरकार ने कहा कि 5 लाख लोग जो अनऑथराइज तरीके से बिजनेस कर रहे थे, उनके बिजनेस पर जो है मोदी सरकार ने जो है रोक लगाया, धावा किया, जांच किया, तमाम सारी चीजें। आपको हम बता दें कि वो जितने लोग अनऑथराइज लोग थे वो भी हमारे देश के लोग थे। परिवर्तन तो होना ही चाहिए, परिवर्तन ये इस हिसाब से देश नहीं चल पाएगा। इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इसी तरह से कई सारे लोगों की सारी बातें जो भी इस वक्त आपके सामने पहुंचना बेहद जरूरी है। गोदी मीडिया, मीडिया की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, मीडिया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, मीडिया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, उत्तराखंड के दलालों को उप्स, ये उत्तराखंड में हुआ है। गोदी मीडिया गो बैक के नारे दोबारा आ रहे हैं। देखिए आज तक का ये कार्यक्रम है, स्टार एंकर रंजना ओम कश्यप आज तक की आई हुई है, आप आज तक का ये देख सकते हैं, प्राइवेट जेट पीछे खड़ा है। लेकिन हमें निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखने नहीं दी गई। राज्यसभा के सांसद और भाजपा का स्टार प्रचारक जुबिन नौटियाल उनके हेलीकॉप्टर में बैठ के आ रहे हैं और हमें अपनी बात रखने से रोका जा रहा है। हमें पुलिस भी रोक रही है, सिक्योरिटी भी रोक रही है और हमें स्पेस नहीं दिया गया। और ये बड़े दुख की बात है, जब हम मूलभूत मुद्दों पर बात कर रहे हैं, चाहे वो अंकिता का मुद्दा हो, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, हमारे नेता राजपाल सरवाली ने बात रखना चाहिए, मधु जोशी जी ने बात रखना चाहिए, हमें बात करने का मौका नहीं दिया गया। और आज तक सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोगों से बात कर रहा है, ये बहुत ज्यादा निंदनीय है। और क्यों आ रहे हैं वो आपको पता ही है, क्योंकि वो आपको खबरें नहीं दिखाएगा। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। सत्यमेव जयते हैं।